के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 50 से कम सीट नहीं मिलेगी। कानपुर में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव में अपनी मेहनत की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी वो कर दी है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। राहुल ने अपने संबोधन में यह भी दावा किया कि 4 जून 2024 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जो बात आपको हिंदुस्तान की मीडिया कभी नहीं कहेगी, मगर जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। और बाकी देश में, हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी के हैं, ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनको सैलरी लेनी है बेचारों को, इसीलिए ये सच्चाई नहीं लिख सकते। बच्चे पालने हैं इनको। मगर अगर आप अभी इनके चेहरे देखोगे तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, गुड बाय, थैंक यू। तो वहीं के